हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लगी आग, महत्वपूर्ण दस्तावेज हुए जलकर राख। सड़क हादसे में शिक्षक की मौत, 17 शिक्षकों का रोका वेतन। शिक्षिका ने लगाई ऑनलाइन छुट्टी, फिर भी कार्रवाई। छात्रों का अंक पत्र, TC न मिलने की पीड़ा। पहले BEO, बाद में DAM से मिले अभिभावक। छात्रों ने शिक्षा मित्रों पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप, जांच के आदेश। पदों में उलझा TGT जीव विज्ञान 2011 का परिणाम। 10 वर्ष से अधिक पुरानी भर्ती होने के कारण गड़बड़ाया समीकरण। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हां दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से कि इसमें यह यूट्यूब चैनल पर देवरिया के भाटपार रानी खंड शिक्षा कार्यालय में सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग से महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। उपनगर के रानी पोखरा के निकट खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है। सुबह किसी ने आग लगने की सूचना डायल 112 को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पहुंचकर आग बुझाई। इस दौरान जरूरी दस्तावेज और कमरे में रखे फर्नीचर जलकर खाक हो गए। आग लगने की सूचना पर पहुंचे BSA, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय को जैसे ही खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आग लगने की सूचना मिली, मौके के लिए रवाना हो गए। भाटपार रानी कार्यालय पहुंचकर उन्होंने निरीक्षण किया। समाचार प्रतिनिधियों से घटना के बाबत कहा कि आग के कारणों का पता नहीं चल पा रहा है, शायद शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो। जांच के बाद ही नुकसान का अंदाजा लग पाएगा। शिक्षक नेता और SDI में है लड़ाई। बताते चले कि भाटपार रानी ब्लॉक में शिक्षक नेता और तत्कालीन SDI की लड़ाई जग जाहिर थी। विद्यालयों की चेकिंग को लेकर शिक्षक नेता और खंड शिक्षा अधिकारी के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था। मामले की शिकायत तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी ने अधिकारियों से की थी। इस मामले में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन हुआ था। खंड शिक्षा अधिकारी ने अपना बयान दर्ज कराया, लेकिन शिक्षक नेता ने मेडिकल लीव ले लिया और मोबाइल बंद कर दिया। शिक्षक नेता का पलड़ा भारी निकला। शिक्षक नेता और SDI की लड़ाई में जांच जारी है। नतीजा चाहे जो निकले, लेकिन शिक्षक नेता का पलड़ा भारी निकला। शिक्षक नेता ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी का ही तबादला करा दिया। शिक्षा विभाग के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि विभाग में मृतक आश्रित के रूप में एक परिचारक नियुक्त है, जो खंड शिक्षा कार्यालय में रात्रि प्रहरी के रूप में कार्य करता रहा तथा वर्षों तक शिक्षक नेता के चालक के तौर पर कार्य करता रहा। जब खंड शिक्षा अधिकारी और शिक्षक नेता में ठन गई तो खंड शिक्षा अधिकारी ने कार्य शून्य बताते हुए प्रचारक को उसके मूल विद्यालय पर भेज दिया। इसी तनातनी में खंड शिक्षा अधिकारी का तबादला हो गया। तबादले से एक हफ्ते के भीतर ही उसी कमरे में आग लगी जहां सारे दस्तावेज रखे हुए हैं। यह कमरा रसोई घर है, जिसे रिकॉर्ड रूम के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। साजिश यह है कि खंड शिक्षा अधिकारी को रात्रि प्रहरी हटाने का दोषी ठहराकर इस दुर्घटना का जिम्मेदार तय कर दिया जाए। फतेहपुर चौरासी बांगरमऊ के करीबपुर निवासी मनोज पुत्र राम खिलावन फतेहपुर चौरासी में शिक्षक के पद पर तैनात थे। बीते शनिवार वह बाइक से BRC केंद्र हफीजाबाद आ रहे थे, तभी कलवारी नासिरापुर मार्ग पर हैबतपुर के पास अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी थी। घटना में घायल शिक्षक को बांगरमऊ CHC लाया गया था। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद ट्रामा सेंटर लखनऊ भेजा था, जहाँ रविवार रात इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। उसकी मौत की खबर मिलते ही स्वजन में कोहराम मच गया। मृतक के एक बेटी है, पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। कन्नौज प्रसिद्धि विद्यालय के निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मिले अनुदेशक, 7 शिक्षा मित्र और शिक्षक समेत कुल 17 लोगों के वेतन व मानदेय रोकने का आदेश सोमवार को जारी हुआ। इस मामले में कई स्कूलों के बंद होने और पूरे स्टाफ के निलंबन की अफवाह पर भी लोगों ने नाराजगी जताई है। हालांकि इन स्कूलों में तैनात एक भी शिक्षक पर अभी तक निलंबन की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल 30 अप्रैल को BSA संगीता सिंह ने ब्लॉक तालग्राम क्षेत्र के कुछ प्रसिद्ध स्कूलों का निरीक्षण किया था। प्रभारी BSA डॉक्टर अविनाश दीक्षित ने बताया कि निरीक्षण के दौरान 17 कर्मचारी नदारद मिले थे। इसमें प्राथमिक विद्यालय अमोलर में सहायक अध्यापक कुलदीप दुबे, सौरभ कुमार व हरिवंश यादव का वेतन और शिक्षा मित्र निशा पांडे व हृदेश का मानदेय रोका गया है। जूनियर हाई स्कूल अमोलर में शिक्षक वीरपाल कुशवाहा, गोपाल दत्त शर्मा व प्रिया का वेतन और अनुदेशक रमेश चंद का मानदेय रोक दिया गया। डॉक्टर दीक्षित ने बताया कि प्राथमिक स्कूल डम्परपुरवा में शिक्षक रूपेश कुमार व विष्णु शर्मा को वेतन और शिक्षा मित्र अनिल सिंह का मानदेय ब्रेक हुआ है। इसी तरह प्राथमिक स्कूल ऊंचा में प्रधानाध्यापक सुनीता पाल, सहायक शिक्षक मधुसैनी, प्रशांत वीर, सुनील कुमार की भी तनख्वाह और शिक्षा मित्र जयलक्ष्मी का मानदेय रोका गया है। कन्नौज प्रसिद्धि स्कूलों के निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मिले अनुदेशक, 7 शिक्षा मित्र और शिक्षक समेत कुल 17 लोगों के वेतन व मानदेय रोकने का आदेश सोमवार को जारी हुआ।
इस मामले में कई स्कूलों के बंद होने और पूरे स्टाफ के निलंबन की अफवाह पर भी लोगों ने नाराजगी जताई है। हालांकि इन स्कूलों में तैनात एक भी शिक्षक पर अभी तक निलंबन की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल 30 अप्रैल को बीएसए संगीता सिंह ने ब्लॉक तालग्राम क्षेत्र की कुछ प्रसिद्ध स्कूलों का निरीक्षण किया था। प्रभारी बीएसए डॉक्टर अविनाश दीक्षित ने बताया कि निरीक्षण के दौरान 17 कर्मचारी नदारद मिले थे। इसमें प्राथमिक विद्यालय अमोलर में सहायक अध्यापक कुलदीप दुबे, सौरभ कुमार व हरिवंश यादव का वेतन और शिक्षा मित्र निशा पांडे व हरदेश का मानदेय रोका गया है। जूनियर हाई स्कूल में अमोलर में शिक्षक बीरपाल कुशवाहा, गोपाल दत्त शर्मा व प्रिया का वेतन और अनुदेशक रमेश चंद का मानदेय रोक दिया गया है। डॉक्टर दीक्षित ने बताया कि प्राथमिक स्कूल डम्परपुरवा में शिक्षक रूपेश कुमार व विष्णु शर्मा को वेतन और शिक्षा मित्र अनिल सिंह का मानदेय ब्रेक हुआ है। इसी तरह प्राथमिक स्कूल में ऊंचा में प्रधानाध्यापक सुनीता पाल, सहायक शिक्षक मधुसैनी, प्रशांत बीर, सुनील कुमार की वेतन का और शिक्षा मित्र जयलक्ष्मी का मानदेय रोका गया है। प्रभारी बीएसए ने बताया कि इस मामले में निलंबन का किसी का भी नहीं हुआ है। शिक्षिका ने लगाई ऑनलाइन छुट्टी फिर भी कार्रवाई, भ्रामक खबरें पढ़कर सोमवार को प्राथमिक स्कूल ऊंचा के सहायक अध्यापक मधुसैनी स्कूल के बाद बीएसए कार्यालय पहुंची। उन्होंने बताया कि 29 अप्रैल को ही आकस्मिक अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया था, इसके बाद भी उस पर कार्रवाई कर दी गई। इस पर स्टेनो गोपाल त्रिपाठी ने बताया कि किसी भी शिक्षक या फिर शिक्षिका का निलंबन नहीं हुआ है। ऑनलाइन अवकाश फिर भी उत्पीड़न, प्राथमिक विद्यालय अमोलर के प्रधानाध्यापक कुलदीप दुबे ने बताया कि निरीक्षण के समय वह ऑनलाइन 2 दिन के अवकाश पर थे, अभी तक उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। सोमवार को स्कूल खुला था, 75 बच्चे मौजूद रहे। शिक्षक सौरभ कुमार अवकाश पर हैं, अन्य स्टाफ मौजूद हैं। स्कूल का सामान खरीदने गए थे, निलंबन की जानकारी नहीं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय दलापुरवा के इंचार्ज प्रधानाध्यापक वीरपाल कुशवाहा ने बताया कि निलंबन की कोई जानकारी नहीं है, स्कूल में शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। सहायक अध्यापक प्रिया मिश्रा सोमवार को अवकाश पर हैं, बीएसए के निरीक्षण के दौरान वह स्कूल के लिए सामान की खरीदारी करने गए थे, कार्रवाई की सूचना नहीं मिली है। प्राथमिक विद्यालय के सीतापुरवा के प्रधानाध्यापक सोनू सिंह ने बताया कि वह समय से स्कूल आ गई थी, शिक्षा मित्र और शिक्षक भी थे, सभी लोग शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इसी तरह डम्परपुरवा के सहायक अध्यापक रूपेश कुमार भी निलंबन की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। प्रसिद्धि विभाग में उसका बाजार क्षेत्र के गंगाधरपुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय में छात्रों को अंक पत्र व टीसी न मिलने की पीड़ा से नाराज अभिभावकों ने शुक्रवार को बीईओ को घेराव किया। अभिभावक शुक्रवार की सुबह बीईओ को घेराव किए, लेकिन निर्णय नहीं निकल सका। बीईओ ने जल्दी ही अंक पत्र व टीसी दिलाने की बात कही तो नाराज अभिभावक बच्चों के साथ डीएम कार्यालय पहुंच गए। शासन ने 31 मार्च को ही अंक पत्र व टीसी देने का निर्देश दिया था, बावजूद एक माह बाद भी नहीं मिल सका। दरअसल गंगाधरपुर में छात्रों का भविष्य भगवान भरोसे है। इस विद्यालय पर छात्रों की कक्षाएं व उम्र निर्धारित न होने का विवाद चल रहा है। विभाग ने पिछले वर्ष का शैक्षिक सत्र मार्च माह में संपन्न कराते हुए छात्रों की परीक्षा संपन्न कराई। शासन ने 31 मार्च को छात्रों का अंक पत्र व टीसी देने का निर्देश दिया था, बावजूद एक माह बाद टीसी न मिलने से अभिभावक नाराज हो उठे। 42 छात्रों में 8वीं पास छात्र भी शामिल हैं, जिन्होंने 9वीं में प्रवेश लेना है। इसके बाद भी विभाग आंख मूंद कर बैठा है। अभिभावकों ने शुक्रवार की सुबह उसका बाजार बीआरसी पहुंचकर बीईओ महेंद्र कुमार से अंकपत्र व टीसी दिलाने की बात कहते हुए घेर लिया। बीईओ ने जल्द ही अंकपत्र व टीसी दिलाने की बात कही, नाराज अभिभावक डीएम कार्यालय पहुंचे। शाम को डीएम ने सभी की बात सुनी। डीएम ने सोमवार तक अंकपत्र व टीसी दिलाने का आश्वासन दिया, इसके बाद अभिभावक घर गए। इस दौरान रामवृक्ष, सोहरती, नीलम, सरोज, डुमरी, रीता, गुलाब आदि मौजूद रहे। पररौना ब्लॉक के एक प्रसिद्ध विद्यालय की छात्राओं ने एक शिक्षा मित्र पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। छात्राओं की शिकायत पर प्रधानाध्यापिका ने पूरे मामले की जांच कर सहायक अध्यापकों के साथ बीईओ को पत्रक सौंपकर शिक्षा मित्र पर कार्रवाई की मांग की है। बीईओ ने कमेटी गठित कर 3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। स्कूल की कक्षा 4 की 3 छात्राओं व उनके अभिभावकों ने 25 अप्रैल को प्रधानाध्यापिका से शिकायत की कि स्कूल में तैनात एक शिक्षा मित्र उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और मना करने पर मारपीट की धमकी देते हैं। प्रधानाध्यापिका ने खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र सौंप बताया कि उन्होंने अपने स्तर से इस मामले की जांच की, स्कूल की छात्राओं से पूछताछ की तो पता चला कि शिक्षा मित्र द्वारा पहले भी इस प्रकार की गलत हरकत की जा चुकी है। प्रधानाध्यापिका के साथ सहायक अध्यापकों ने भी बीईओ से शिक्षा मित्र के खिलाफ शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। बीईओ ने शिक्षा मित्र शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच टीम गठित की है। उन्होंने एआरपी दुर्गेश त्रिपाठी व शिक्षक संकुल रोशनी कुमारी की संयुक्त कमेटी गठित कर विद्यालय में पहुंच शिक्षकों, छात्राओं व अभिभावकों से बातचीत कर पूरे मामले की जांच कर 3 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। मामला संज्ञान में आने पर तत्काल संयुक्त टीम गठित कर दी गई है, 3 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। सोमवार को स्कूल पहुंचकर मामले की खुद भी जांच करूंगा, अगर शिक्षा में दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पदों में उलझा टीजीटी जीव विज्ञान 2011 का परिणाम, 10 वर्ष से अधिक पुरानी भर्ती होने के कारण गड़बड़ाया समीकरण। प्रयागराज प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी जीव विज्ञान 2011 का परिणाम 10 वर्ष से ज्यादा समय तक अटके रहने से उलझ गया है। इस विज्ञापन के अन्य विषयों की भर्ती पूरी हो चुकी है, लेकिन जीव विज्ञान विषय की ओएमआर सीट का बंडल पानी से भीग जाने के कारण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इसका परिणाम घोषित नहीं कर सका।
अब जब जांच प्रक्रिया के बाद परिणाम जारी करने की राह सुगम हुई तो पदों की समस्या का नया संकट खड़ा हो गया। 83 पदों का भर्ती विज्ञापन निकला था, लेकिन अब आधे से ज्यादा पद रिक्त नहीं है। चयन बोर्ड ने जीव विज्ञान विषय में 83 पदों के लिए भर्ती परीक्षा कराई थी। परीक्षा के बाद ओएमआर सीट का बंडल चयन बोर्ड के कक्ष में रखा गया। वहां बंडल पानी से भीग जाने से समस्या खड़ी हो गई कि आखिर मूल्यांकन किस तरह से किया जाए। इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इस बीच चयन बोर्ड ने पिछली लंबित भर्तियों को तेजी से पूरा कराने के लिए कार्य किया। उसी बीच चयन बोर्ड ने दो वरिष्ठ सदस्यों को जीव विज्ञान 2011 की ओएमआर सीट मामले में जांच सौंपी। सदस्यों ने ओएमआर सीट से कार्बन कॉपी से मिलान का परिणाम घोषित करने की संस्तुति के साथ चयन बोर्ड को जांच रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद चयन बोर्ड ने 10 साल से ज्यादा पुरानी भर्ती होने के कारण पदों का सत्यापन कराया तो आधे से भी कम पद ही रिक्त मिले। ऐसे में संकट खड़ा हो गया कि परिणाम घोषित करने पर चयनितों का पैनल कैसे आवंटित हो सकेगा। अब मामला फिर उलझ गया है। चयन बोर्ड नहीं चाहता कि परिणाम घोषित किए जाने के बाद कोई अभ्यर्थी कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। मामले में चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर का कहना है कि पदों का सत्यापन कराया जा रहा है, रिपोर्ट के आधार पर परिणाम के संबंध में चयन बोर्ड के चेयरमैन के स्तर से अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। 10 वर्ष से अधिक पुरानी भर्ती होने के कारण गड़बड़ाया समीकरण। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।